जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं। तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल दिव्य सृष्टि पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं? तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने के लिए मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, मनुष्य का मन भी बड़ा चालाक होता है, वो उसे उसके जाल में ही फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, और ऐसा ही नहीं कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि मान ले कि आप नशा करते हो और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हो, तो उसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वास में बांध कर रख देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति काम भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वो व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वो सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था, तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और उसके कारण मैं अपवित्र हो गया हूँ, और इसीलिए मैं फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेंढक कहाँ रहता है? वो व्यक्ति कहता है, पानी में। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वो मेंढक तो हमेशा से ही इस पानी में रहता है, तो वो मेंढक तो पहले से ही पवित्र होगा, उसको छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात चुभती है और वो पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति के एक वस्त्र उठाते हैं और उसे कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वो तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर उस इंसान को बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वो अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र है उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन उन्हें वो अपवित्र नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वो अपवित्र है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरी जीवन अच्छे से जीवन जी नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि उससे लगता है कि वो अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जालों में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों से जी रहा है, और किसी को ये भी लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि जागरूक के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो, तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र ही अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का सूत्र है। दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि क्या आप आपके मन में आपकी गलतियां मानते हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो आप आज जो कुछ भी है इसी के वजह से ही है। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें, और साथ ही आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें।